ज़हीर अब्बास साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं हो रही है तो उनको ड्रॉप कर सकते हैं या उनको किया जा सकता है। ज़हीर अब्बास हमारे लेजेंड है, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया, उन्होंने कहा भाई बाबर आजम को ड्रॉप करें आप, अगर वो रन नहीं कर रहा वो ठीक है, जितना बड़ा बैट्समैन होगा। ये कौन करेगा भाई, ये घंटी कौन पहनेगा आपने गले में, मुझे बता दें कौन से सेलेक्टर्स पहनेंगे ये घंटी। बाबर आजम तो अनटचेबल है, सीधी बात है, उसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता पाकिस्तान क्रिकेट में, उसकी इतनी जो आर्मी बैठी हुई। बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने स्कोर नहीं किया, जो कि मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में भी, सबके ख्याल में भी उनको थोड़ा हल्का समझा जाता है ओपोनेंट। जैसे जिम्बाब्वे हो गई, दो चार टीमें ऐसी हो गई जिनको हम हल्का समझते हैं। जब ऐसी टीमों के खिलाफ भी आप स्कोर नहीं करेंगे। मुतमईन और खुश अंडर अचीवर्स का एक ग्रुप नजर आता है आपको, कि जो अपनी मेडियोक्रिटी में खुश हैं। आई डोंट नो विच लेवल वी हैव गॉन टू एंड इट इज़ अ सीरियस मेंटल डाउनफॉल। और चैंपियंस वाला माइंडसेट सबसे पहली चीज़ है। मैं आपको बताऊं, रिसोर्सेज नहीं, माइंडसेट होता है पहली चीज़। और अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो चाहे आपके पास सारी दुनिया के रिसोर्सेज हैं, आप चैंपियन नहीं बन सकते। आपका जो माइंडसेट है ना, वो इतनी मेडियोक्रिटी पोर आउट कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ज़हीर अब्बास साहब ने कहा है कि बाबर आजम को मतलब स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मसला ये है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, साबिक क्रिकेटर्स, हाँ, वो नहीं चाहते कि बाबर परफॉर्मेंस दे। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर अगर बाबर परफॉर्मेंस देता रहा तो कौन जानेगा ज़हीर अब्बास को या एक्स वाई जी जो हमारे लेजेंड्स हैं। अरे ये क्या बात हुई, अगर विराट परफॉर्मेंस दे रहा तो देखिए, मैं आपको एक बात नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के स्टार प्लेयर बाबर आजम इस समय बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। बताते चले कि हाल ही में बाबर आजम ने ओडीआई और टी20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व या यूँ कहें कि एशिया के डॉन ब्रैडमैन कहे जाने वाले ज़हीर अब्बास ने बाबर आजम की जमकर क्लास लगाई है। ज़हीर अब्बास ने कहा है कि बाबर आजम कोई विराट कोहली नहीं है जो उन्हें इतना मौका दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व सुपरस्टार ज़हीर अब्बास ने कहा कि अगर बाबर आजम पिछले 16 इनिंग से फॉर्म में नहीं है तो उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए और उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज देना चाहिए ताकि वो अपना फिर से फॉर्म वापस ला सकें। इसके साथ साथ ज़हीर अब्बास ने यह भी कहा है कि बाबर आजम और विराट कोहली में बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं बनता है। विराट कोहली आज जिस स्टेज में पहुंच चुके हैं, बाबर आजम का उस स्टेज में पहुंच पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। ज़हीर अब्बास के इस बयान के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह तो एक्सेप्ट कर लिया है कि बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि ज़हीर अब्बास पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने ज़हीर अब्बास के इस स्टेटमेंट को लेकर और क्या कहा है। ज़हीर अब्बास साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, इससे आप किस हद तक एग्री करते हैं कि बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं हो रही है तो उनको ड्रॉप कर सकते हैं या उनको किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो ड्रॉप करने में कोई हर्ज नहीं होता। देखिए, आप ड्रॉप करते हैं प्लेयर की फायदे के लिए ही करते हैं। जब वो फॉर्म में नहीं होता तो उस पे प्रेशर आता रहता है। और आपकी टीम में प्लेयर ही कितने हैं, जब इतने कम प्लेयर हो आपकी टीम में और ऊपर से आपका मेन प्लेयर जब स्कोर ना कर रहा हो तो यकीनन देखिए ना, बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने स्कोर नहीं किया, जो कि मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में भी, सबके ख्याल में भी, उनको थोड़ा हल्का समझा जाता है ओपोनेंट। जैसे जिम्बाब्वे हो गई, दो चार टीमें ऐसी हो गई जिनको हम हल्का समझते हैं। जब ऐसी टीमों के खिलाफ भी आप स्कोर नहीं करेंगे, आपने उनका फुटवर्क देखा, मैं थोड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, थोड़ा हेजिटेंट थे और ना फ्रंट फुट इतना अच्छा आ रहे थे। देखिए, होता ये है कि हमने भी क्रिकेट में देखा है, हमने भी क्रिकेट खेली है, जब आप एक आध मैच में इंसान को ड्रॉप करते हो, जब उसको सोचने का मौका मिलता है यार मैंने क्या गलती की है क्या नहीं की, तो फिर जब वो नेक्स्ट मैच में आता है तो आप उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज देखते हो। हर शो में कहता हूँ, बाबर और विराट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अपना विराट बहुत ऊपर है अभी उनसे, उनका रिकॉर्ड देख लें, हर चीज देख लें। तो हम सबसे मसला ये होता है कि कोई एक मैच में स्कोर करता है, आप उसको बड़े से बड़े प्लेयरों से मिलवाना शुरू कर देते हो। 99% ये पाकिस्तान में ही होता है कि जी हल्का सा भी स्कोर करता है, जी तो वो है, ये तो वो है, ये तो वो है, उस पर एडिशनल प्रेशर आ जाता है। और जब वो फेल पे जाता है, फेल्योर पे, तो फिर उसको कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारी कई लड़के इसी तरह खराब भी हुए हैं। अच्छा, ज़हीर अब्बास साहब ने कहा है कि बाबर आजम को मतलब स्क्वाड में नहीं होना चाहिए, तो ज़हीर साहब से पूछें कि किसको होना चाहिए। वो उनकी वो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में वो उनका नाम है, ज़हीर अब्बास साहब का एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का। हाँ। वो अगर नहीं समझते तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ। तो फिर और उसकी रीजन क्या है? परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस है किसकी? देखें यहाँ पर मसला ये है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं ना साबिक क्रिकेटर्स, हाँ, वो नहीं चाहते कि बाबर परफॉर्मेंस दे। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर अगर बाबर परफॉर्मेंस देता रहा तो कौन जानेगा ज़हीर अब्बास को या एक्स वाई जी जो हमारे लेजेंड्स हैं। अरे ये क्या बात हुई? अगर विराट परफॉर्मेंस दे रहा तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, नई लोग भूल जाते हैं, लोग याद जरूर रखते हैं, नाम तो याद रहता है लेकिन लोग डिस्कस नहीं करते। अरे तो इनको प्रॉब्लम ये होती है, जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं ना, इनको लाइमलाइट की प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये एकदम पर्दा स्क्रीन से और फेम से और सोशल मीडिया से जब गिरते हैं ना नीचे, फिर उसके बाद ये ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। ज़हीर अब्बास हमारे लेजेंड है और जो आजकल लोग बाबर आजम का मतलब करते रहते हैं, जिसमें हमारे कुछ साबिक प्लेयर्स भी हैं। उन्होंने ये कहा है, एक क्रिकेट इनक्लेव हुआ है वहाँ पर अजमान में, तो उन्होंने तो सीधा कह दिया, उन्होंने कहा भाई बाबर आजम को ड्रॉप करें आप, अगर वो रन नहीं कर रहा, वो ठीक है जितना बड़ा बैट्समैन होगा, लेकिन अगर वो रन नहीं कर सकता इतने अरसे बाद भी, इस बेटर कि आप उसको जो है मतलब अब साइड पर बिठाएं कि एक सही मैसेज जाए सारे प्लेयर्स को। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम पिछले 17 इनिंगों से एक भी 50 नहीं कर पाए हैं। बाबर आजम की फॉर्म लगातार नीचे की तरफ गिरती जा रही है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चलें कि पिछली 17 इनिंगों में बाबर आजम का जो एवरेज है वो 22 का है। बाबर आजम ने लास्ट 100 नेपाल के अगेंस्ट मारा था, वो भी एशिया कप 2023 में। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पहले बाबर आजम छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट अच्छे रन बना लेते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनकी परफॉर्मेंस इतनी गंदी हो चुकी है कि वह छोटी टीमों के अगेंस्ट भी रन नहीं बना पा रहे हैं। यही रीज़न है कि बाबर आजम ना तो अब T20 रैंकिंग में अच्छे पोजीशन में हैं और ना ही टेस्ट की रैंकिंग में अच्छे पोजीशन में हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर बाबर आजम इसी खराब फॉर्म से जूझते रहे तो पाकिस्तानी टीम का हाल और भी बुरा होने वाला है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि विराट कोहली का कंपेरिजन बाबर आजम से नहीं बल्कि दुनिया के किसी प्लेयर से नहीं बनता है, क्योंकि विराट कोहली आज जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि खुद विराट कोहली अपना कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्रिकेट के भगवान एक ही हैं और वो है सचिन। सचिन से विराट कोहली का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता है, ये खुद विराट कोहली ने कहा था। विराट कोहली ने तो यहाँ तक कहा था कि वो सचिन के कारण ही क्रिकेट में आए थे और अब ऐसे में उनका कंपैरिजन अगर उनके भगवान से किया जाए तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम डेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।